इंग्लैंड की टीम ने खराब फील्डिंग नहीं की, बल्कि आज न्यूजीलैंड की फील्डिंग का वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। मैं 100% आमिर सोहेल साहब की बात से एग्री करूंगा। दूसरी बात जो आमिर सोहेल साहब ने की कि आई थिंक इस पिच के ऊपर 180 से कम स्कोर होना नहीं चाहिए था और इंग्लिश टीम नहीं गई यहाँ तक। तीसरी बात यह है यासर साहब के आज मुझे एक चीज लगी और आज के मैच के बाद शायद ये डिबेट ऑन भी हो जाए कि T20 क्रिकेट में शायद इंग्लिश टीम के कप्तान इयन मॉर्गन हो गए, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, शायद उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई है, आप कुछ नहीं कहेंगे, या विराट कोहली जो T20 का प्लेयर नहीं है उसको नहीं खेलना चाहिए T20 क्रिकेट के अंदर, और कम से कम उसको कप्तानी नहीं देनी चाहिए। और आज जो इयन मॉर्गन सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम के साथ एसोसिएट थे, आज वो कप्तानी में भी एक्सपोज हुए। और कैसे एक्सपोज हुए? देखें, T20 क्रिकेट में आज के मैच के बाद एक चीज जो लोगों को अपने जहन में ग्रिल कर लेनी चाहिए कि आप जब तक विकेट नहीं लेंगे आप मैच नहीं जीतेंगे, और आज के मैच में यही हुआ। विकेट्स इन हैंड रखी और शायद न्यूजीलैंड की टीम ने एक चांस रखा था और उस चांस पे उन्होंने मौके पे चौका रख दिया। आखिरी चार ओवर में जो कुछ इंग्लिश टीम के साथ हुआ शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा, लेकिन जो जॉर्डन गेंद कर रहे थे और शायद जॉर्डन का जो ओवर था वो मैच का डिसाइसिव ओवर बना। बट ऑन द अदर साइड एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया की टीम को हम क्यों हाई रेट कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिचेल स्टार्क से वो आखिर में ओवर नहीं कराते, मिचेल स्टार्क को वो पहले दो ओवर करवाते और बीच में वो उनको लेकर आते हैं विकेट लेने के लिए। यहाँ पर जो इयन मॉर्गन ने बड़ा ब्लंडर किया, एक चीज तो ये थी कि उनको मोइन अली को बीच में गेंद कराना चाहिए थी, क्योंकि आज जो 180 रन बचाए हैं न्यूजीलैंड की टीम ने, उन्होंने आठ बॉलर से ओवर कराए, आठ बॉलर से, जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके कप्तान ने आठ बॉलर को यूज किया। जिमी निशम ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर डाला आखिरी, लेकिन आज मोइन अली से एक बॉल नहीं करवाना समझ से बाहर था। और जितनी अच्छी कप्तानी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में की थी इयन मॉर्गन ने, आज वो उतनी अच्छी कप्तानी करते हुए हमें दिखाई नहीं दिए, और ये चीज जो थी उनके लिए कॉस्टली हो गई। हालांकि आप ऊपर से दो आउट करने के बाद 167 करवा दें एक ऐसी टीम से जिसके बैट्समैनों को खुद इस बात का यकीन नहीं था कि जनाब वो चिप इन करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान के बहुत बड़े कैप्टन आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं, स्टूडियो में आपके साथ मौजूद है, मुझे मैं चाहूंगा कि वो इस चीज के ऊपर तबसरा करें। आप पॉइंट अच्छा मेक किया, कैप्टनसी वो नहीं की। अगर आप केन विलियमसन की बात करें, दो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मिडल में थे, सेंटर को उन्होंने एक ओवर करवाया, उसके बाद उन्होंने फौरन उसको चेंज कर दिया, फिर वो अपना छठा बॉलर लेके आए, फिर उन्होंने सातवें बॉलर से बॉल करवाए, उनको पता था, उन्होंने चांस भी लिया, फिलिप से एक ओवर कराया ऑफ स्पिन, और वो उस वक्त में करवाया जब फिलिप उनकी उंगली के पे चोट लगी हुई थी, उन्होंने करवाया, उन्होंने चांस लिया कि इसके खिलाफ वो बड़ी शॉट मारने की कोशिश करेंगे और उसमें अगर उनको विकेट मिलती है तो यू नो पंट पे कप्तान जाता है कई दफा अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर, विकेट मिलेगी वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलेगी तो एक ओवर जो है आउट ऑफ द वे। अगर उस सिचुएशन में फिलिप ने सिर्फ 10 रन दिए, हालांकि दो चौके लगे, 10 रन दिए, लेकिन गुड डिसीजन, एक ओवर सेंटर का कम हुआ, फिर दूसरी तरफ से कम हुआ, उसके बाद सेंटर ने बॉलिंग नहीं की। देखिए, उनका मेन पांचवा बॉलर है सेंटनर, उन्होंने देखा कि ये विकेट सेंटनर की नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आदिल रशीद की जगह अगर पावर प्ले का छठा ओवर मोइन अली को दिया जाता और मोइन अली को यही कहा जाता कि देखो इस वक्त ये फंसे हुए हैं, बिल्कुल ये प्रेशर में है, दो विकेटें गिरी हुई हैं, ये इनिंग्स को रीबिल्ड कर रहे हैं, इसमें फेंको, फ्लाइट करो, अगर हमें एक और विकेट यहाँ पर मिल जाती है गेम जो है वो हमारे हाथ में। लेकिन डिफेंसिव अप्रोच दो आउट करने के बाद, लेकिन एक चीज अच्छी की, दोनों तरफ से नया बॉल करवाया जो स्विंग हुआ और उनको फायदा भी हुआ। लेकिन आई थिंक राइट टाइम पे जो डिसीजन करने की जरूरत थी दो विकेटों लेने के बाद वो उन्होंने नहीं किया और उसकी वजह से वो मैच हार गए। और दूसरी चीज देखें, आप सैम बिलिंग्स को मैच खिला रहे, आप उनको बैटिंग करने नहीं भेज रहे, आप खुद बैटिंग करने नहीं आ रहे, और आपको पता है सोडी उनका जो है वो एक वेपन है, उससे वो विकटें हासिल करते हैं। लेकिन आई डोंट नो कि क्या था, अगर उन्होंने ये सोच के दोनों मोइन अली और उनको बैटिंग कराई थी फिर उनको खुद आना चाहिए था। मोइन अली को ऊपर लाने का डिसीजन आप कैसे समझ? देखिए बिल्कुल ठीक था, वो बेसिकली दो सेंटनर और सोडी दोनों गेंद लेफ्ट हैंडेड को अंदर लेके आ रहे थे, तो वो प्रेशर डालने के लिए हमें इस मौके के ऊपर
चूंकि जॉस बटलर की लगी नहीं हुई थी, इस मौके के ऊपर हमें दो बड़े ओवर मिल जाएं किसी तरह, ताकि हम जो है गेम में वापस आए। लेकिन कप्तानी केन विलियमसन की बहुत ज़बरदस्ती, ही वॉज वन स्टेप अहेड ऑफ द ऑपोजिशन, उनके पास हथियार थे, उन्होंने कहा कि ये दो इन्होंने भेजे तो ये लो पकड़ो, हम इसको इस तरह हैंडल कर लेते हैं। यही भाई, आपको लगता है कि आज के दिन ड्यू फैक्टर का भी कोई रोल रहा है बीच में? देखिए यासर, जिस वक्त टॉस हुआ था उसी वक्त इस चीज को आइडेंटिफाई किया था केन विलियमसन ने कि जनाब ड्यू फैक्टर है, दूसरा बैटिंग पैराडाइज पिच थी, और यहाँ पर जो स्कोर इंग्लैंड ने किया मेरे ख्याल में कम अज कम 15 रन ये शॉर्ट थे। दूसरी तरफ इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, बिल्कुल मैं 100% आमिर सोहेल साहब की गुफ्तगू से इत्तेफाक करूंगा। लेकिन आज इंग्लैंड की टीम खराब क्रिकेट खेली, और हालांकि लगना नहीं चाहिए था कि इंग्लैंड की टीम खराब क्रिकेट खेलती, क्योंकि एक बड़े मैच से पहले वो एक मैच हारे हुए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन थोड़ा सा कंप्लेसेंट नजर आए। और देखें, इसीलिए हम कहते हैं कि टॉस वाला कप्तान नहीं होना चाहिए, मोहम्मद हफीज बिल्कुल ठीक कहते हैं। टॉस वाला कप्तान जो है ना वो कहीं एक्सपोज हो जाता है, और यहाँ पर बहुत वनडे T20 क्रिकेट के कामयाब तरीन कप्तान बन गए, सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान इयन मॉर्गन है। बट जब तक वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना, तो फिर वो कैसे चीजों को ड्राइव करेंगे? वो क्या सिर्फ फील्डिंग सेट करने के लिए कप्तान है? वो कहते हैं ना टेनिस के खेल में होता है नॉन प्लेइंग कैप्टन, तो फिर वो नॉन प्लेइंग कैप्टन बन जाए। तो चूंकि वो बैटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे थे, आज वो कप्तानी में एक्सपोज हो गए। जो जब आपने दो आउट कर लिए थे, मेरे ख्याल आदिल रशीद को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत ही नहीं थी, आपको क्रिस जॉर्डन को बीच पर रखना चाहिए था, आप फर्स्ट चेंज में मोइन अली को लेकर आते और आदिल रशीद को आप इंट्रोड्यूस करते 10 ओवर के बाद, तो वो 18 ओवर तक आराम से जा सकते थे, एक एंड वो ब्लॉक कर देते। जिस तरह लियाम लिविंगस्टोन ने बॉलिंग की है, लगा वाजे तौर पर कि आज कप्तानी अच्छी नहीं की, क्योंकि इस पिच के ऊपर बॉल ग्रिप नहीं कर रहा था। और अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाना चाहूं, तो शारजा में एक मैच था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, और बहुत उमदा बॉलिंग की थी आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन ने, लेकिन आज तो ना वो यॉर्कर कर रहे थे, आज ना वो जड़ में बॉल कर रहे थे, जहां उनको दो छक्के लगे उनके पसीने छूट गए, और वो विकेटों में गेंद करने से जो है कतरा रहे थे, इधर उधर बॉल कर रहे थे। और T20 क्रिकेट में तो एक्स्ट्रा बॉल आपके लिए जो है वो मौत का पैगाम लेकर आती है, आपने इतने क्रूशियल टाइम पर दो वाइड बॉलिंग कर दी, तो ये चीजों जो थी इंग्लैंड के हाथ पांव तो भूल गए थे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं आज के मैच में इंग्लैंड की नाकामी का जो वाहिद जिम्मेदार है वो उनके कप्तान को समझता हूँ, कि आज उन्होंने बिल्कुल भी कप्तानी नहीं की, क्योंकि ये दो कप्तानों का आज मुकाबला था, केन विलियमसन। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पिछले 6 सालों के अंदर जो है न्यूजीलैंड की टीम ICC मुकाबलों में बहुत अच्छा खेली है, 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले मेलबर्न में, और उसके बाद 2019 का फाइनल वो खेले लॉर्ड्स में, फिर उसके बाद ICC के वो टेस्ट चैंपियन बने हैं, तो उनका एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। हालांकि इस टूर्नामेंट से पहले फर्गुसन उनके आउट हो गए हैं, बावजूद उनके उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, लेकिन आज के मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना मैच का मुजरिम, तो मेरा ख्याल है इंग्लिश टीम के कप्तान इस मैच के मुजरिम हैं।